पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें एनएस नाउ। नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप। अनुदेशकों को लेकर के एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अनुदेशकों ने एमएलसी डॉक्टर मान सिंह से बात की है। और इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ मान सिंह यादव ने कहा है, उसके बारे में हमारे साथ इस वक्त काल पर जुड़े हुए हैं अनुदेशक कल्याण संगठन के प्रदेश सचिव चंद्रसेन सिंह पटेल से। उनसे जानेंगे कि आखिर बातचीत क्या हुई है, डॉक्टर मान सिंह यादव ने क्या कुछ कहा है और अनुदेशकों की समस्याएं कब तक समाप्त होंगी। इन सारे विषयों को लेकर हम अनुदेशक कल्याण संगठन के प्रदेश सचिव से बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि 4 अक्टूबर को श्यामलाल पाल, जो समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर मान सिंह जो एमएलसी हैं स्नातक इलाहाबाद क्षेत्र के, उनसे प्रसिद्धीय विद्यालयों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों के प्रतिनिधिमंडल ने सर्किट हाउस में मुलाकात की। और इस मुलाकात में अनुदेशकों का प्रतिनिधित्व कर रहे चंद्रसेन पटेल ने दोनों नेताओं को गुलदस्ता एवं पुष्प भेंट कर अनुदेशकों की समस्याएं रखी। सपा एमएलसी डॉक्टर मान सिंह ने अनुदेशकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और हर सदन में इन्हें उठाने का संकल्प लिया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर श्यामलाल पाल जी ने भी अनुदेशकों की समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वे अपनी आवाज को मुखर करेंगे और सरकार बनने पर अनुदेशकों के नियमितीकरण का समर्थन करेंगे। इस कार्यक्रम में अनुदेशकों के कई अन्य सदस्य भी मौजूद, जिसमें प्रसिद्धीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन के संगठन सचिव चंद्रसेन सिंह पटेल, रमाकांत यादव, अनुराग यादव, आशुतोष द्विवेदी, विवेक यादव, राजकिशोर गुप्ता, शशिकांत, रिजवान अहमद और अन्य शामिल थे। अब ये बात करते हैं अनुदेशक कल्याण संगठन के प्रदेश सचिव चंद्रसेन सिंह पटेल और जानते हैं कि आखिर डॉक्टर मान सिंह यादव और सपा के प्रदेश अध्यक्ष से हुई मुलाकात में क्या कुछ निकलकर सामने आया। नमस्कार सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है निश्चनाओं में। जी जी सर, आज आप लोगों ने मुलाकात की है सपा एमएलसी डॉक्टर मोहन सिंह यादव से। जी जी सर, तो क्या कुछ हुआ है आज उस मुलाकात में अनुदेशकों के लिए? आज परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन के बैनर तले हम लोग बांदा से बांदा इकाई में जो है सपा प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री श्यामलाल पाल जी एवं सपा स्नातक एमएलसी श्री डॉक्टर मान सिंह जी से सुबह शिष्टाचार मुलाकात की, क्योंकि अनुदेशकों की लंबे समय से चली आ रही मांग वेतन समायोजन स्थानांतरण, इन सब मुद्दों पर हमने उनसे उनका पुनः ध्यान आकृष्ट करवाया। साथ ही हमने ये भी देखा, क्योंकि आप भी जानते हैं, सब कोई जानता है, एक उम्मीद होती है सबको जब कोई सरकारी संविदा में आता है कि उसको परमानेंट की आस होती है, तो हमने उनको ये भी आश्वस्त किया कि आने वाले समय में अगर सरकार, चूंकि परिवर्तन प्रकृति का स्वरूप है, अगर परिवर्तन होता है तो हमारा निवेदन है कि हमको पहली कैबिनेट में ही सपा सरकार नियमित करे, नियमित करने की कार्यवाही प्रारंभ करे। हमारा ये कुल मिलाकर वर्तमान की परिस्थितियां और शोषण से संबंधित और उसके निदान हेतु उनकी मुलाकात थी। जी सर, तो उनके तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया? उन्होंने आश्वासन दिया कि देखिए, अभी हम लोग विपक्ष में हैं, आप लोग अगर न्यूज टीवी चैनल देखते होंगे तो हम लोग आपके मुद्दे उठा रहे हैं। हमने कहा सर, हम इस बात से पूर्णतया अवगत हैं कि आप हमारे मुद्दे उठाते हैं, समय समय पर जब भी विधानसभा लोकसभा की कार्यवाहियां चलती हैं तो हम लोगों का जो वो रहता है, रिव्यू रहता है, जब प्रश्न काल होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे मुद्दे उठाए जाते हैं। यद्यपि फिर भी जो और सारे कुछ बिंदु हैं जो छूट रहे हैं उनकी तरफ उनका ध्यान आकृष्ट करवाया, जो त्वरित हो सके उनके लिए सदन में उठाएं जब तक हैं, और अगर परिवर्तन के स्वरूप उनकी सरकार आए तो वो हमारे लिए उत्तम करें, हमें नियमित करें, हमको अपने मूल पद पर जो है समायोजित करें, ये हमारी बात थी। उन्होंने पूर्णतः हमें आश्वस्त भी किया। खैर, राजनेता है, उनका भी कहना यथार्थ है। और हर सरकार, चूंकि जब ये सरकार सत्ता में नहीं थी तो जब सत्ता के आने के पहले 17,000 बोली थी, फिर आई तो नहीं दी, और उसके लिए हम लोग हाई कोर्ट से लेकर सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, लेकिन सरकार की मानसिकता नहीं थी इसलिए उन्होंने जारी नहीं किया। जी जी सर, अब ये है कि हम चूंकि एक हमारे लिए जनप्रतिनिधि आते हैं, हमारी जो आवाज उठाते हैं, तो हमारा मिलना उनसे धर्म है। हम उनसे मुलाकात किए और वो हमसे ये इस चीज के लिए संकल्पबद्ध हुए कि हम आपकी आवाज निरंतर उठाते रहे। जी सर, जब तक विपक्ष में तब तक उठाएंगे, जब सदन में आएंगे, हमारी सरकार होगी तो हम आपको समायोजित करेंगे, आपको नियमित करेंगे। हम लोगों ने अभी पिछले महीने अगस्त माह में जी सर परियोजना कार्यालय में धरना दिए। परियोजना कार्यालय में जब पूरे प्रदेश के अनुदेशक एकत्र हुए, अनिश्चितकालीन धरना था,
जी तो उसमें फिर बेसिक शिक्षा सचिव महोदय जी जी श्री सुंदरम जी ने हमको आश्वस्त किया जी, हमारी मांगे लिए जी जी, और उन्होंने कहा कि हम ये आपकी मांग सरकार तक भेजेंगे, चूंकि अगस्त की डिमांड थी, अगस्त का आंदोलन था प्रथम वीक में जी जी, और सितंबर का महीना समाप्त हो गया, अक्टूबर का आ गया, इसलिए कुछ ना कुछ जो अंदर की चिंताएं हैं वो बढ़ने लगती, समय जाता है और जब कोई निश्चित समाधान निकल के नहीं आता तो उम्मीद तो अभी वही चल रही है, इसीलिए अभी इधर आपको एक महीने से अनुदेशकों का कोई आंदोलन नहीं दिखा होगा और हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विक्रम सिंह गोरखपुर के हैं, वो लगातार शासन पे अपनी जो है पहुंच बनाए हुए हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, डीजी मैडम से मिल रहे हैं और प्रमुख सचिव जी से मिल रहे हैं, उनको ये है कि आपकी कुछ मांगे पूरी की जा रही है जो मुझे जानकारी है, क्योंकि संगठन में मैं भी प्रदेश संगठन सचिव हूँ, जो मुझे जानकारी दी गई है यही है कि हमारी कुछ मांगे त्वरित नवरात्र के बाद या दीपावली तक में कुछ संकेत मिल सकते हैं। उसमें इधर न्यूज चैनल में भी चल रहा है कि मानदेय वृद्धि भी कुछ होने के आसार है जी, लेकिन फिर भी सर महंगाई के अनुरूप चाहे 9,000 हो चाहे 12,000, 12,000 में भी पेट चलेगा नहीं जी जी, तो जो भविष्य की चिंता है इन सभी चिंताओं के हेतु हम लोग आज मुलाकात किए थे और शासन में जो हमारे लिए है जो निकल के आएगा वो तभी बाहर आ पाएगा कि हमारी किन मांगों को मांगा गया, मान लिया गया, कौन सी मांगे पूरी की गई। 14 बिंदुओं का हम लोगों ने जो है ज्ञापन दिया था सचिव महोदय को, अब उन्होंने लिख करके ऊपर दिया है तो कौन कौन सी मांग डन होके आ जाती है, जिस दिन शासनादेश आ जाएगा तभी हम लोग आश्वस्त हो पाएंगे पूर्णतया। अभी तो संकट की भंवर में भंवर खा रहे हैं और निराश भी हैं, हताश भी हैं जी जी, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि उम्मीद दुनिया उम्मीद पर टिकी है, उम्मीद छोड़ देंगे तो जाएंगे क्या, किसी हादसे के शिकार हो जाएंगे, उम्मीद पर जी रहे हैं। उम्मीद है सरकार शायद कभी भी सोच सकती है, व्यक्ति है कभी भी सोच सकता है और सोचने के बाद बेहतर परिणाम हो सकते हैं उसके। तो जी सर यही हमारा जो है इतना ही आज का वो था, इसी पर फोकस था और इसीलिए आज हम लोग मुलाकात किए जी। सर अखबारों में भी इस समय आपको लेकर के और तमाम जो संविदा कर्मी है उनको लेकर के खबर चल रही है कि सरकार बढ़ोतरी पर विचार कर रही है जी, तो ये आप लोगों ने जब अगस्त में धरना दिया था उसके बाद ये अगर खबर अगर देखें तो पॉजिटिव खबर है, लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार कितना मानदेय बढ़ा रही है आप लोगों का? देखिए अभी कुछ कह पाना असंभव है, सरकार कितना बढ़ा देगी, क्या देगी, सरकार के मंसूबों पर है वो कितना बढ़ाती है, अंतिम फैसला। आप लोगों ने कोई प्रस्ताव तो दिया होगा ना कि हमें इतना मानदेय चाहिए या फिर अस्थाई कुछ ऐसा? प्रस्ताव देखिए जो जाता है जो सचिव महोदय ने दिया होगा वो गोपनीय होता है, उसको सार्वजनिक नहीं किया गया जी जी, क्योंकि उसमें 14 बिंदु थे जी जी, अब 14 बिंदु में से कौन कौन से बिंदु वहाँ सरकार मानती है जी जी, और मानदेय वृद्धि में कितना करती है ये अभी तक गोपनीय बना होगा जी, इसमें कोई वो नहीं है हमको जानकारी कि कितना बढ़ाया जाएगा जी जी, लेकिन जो भी आएगा पता चलेगा महीने 15 दिन 2 महीने 3 महीने में जी सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर सारी बातों को बहुत बेबाक तरीके से रखने के लिए जी। सर आपका भी बहुत आभार।